हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड यू आर लर्निंग प्रॉपरली टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर सेकंड ऑफ कंप्यूटर पर्सनलाइजिंग विंडोज़ सेवन एज यू नो दैट विंडोज़ इज अ जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट जो कि प्रोवाइड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी विंडोज़ सेवन एंड विंडोज़ टेन आर द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ नाओ गेटिंग स्टार्टिड द विडोज़ सेवन हाउ टू स्टार्ट द विंडोज सेवन किस तरह से विंडोज़ सेवन इस्टार्ट करते हैं कैसे होता है नाओ वी विल डिस्कस अबाउट इट वेन एवर यू टर्न ऑन योर कम्प्यूटर जब आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं जब आप अपना कम्प्यूटर टर्न ऑन करते हैं इट इट स्टा इस्टार्ट्स बूटिंग ये बूटिंग करते दे, कर देता है दिस मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडिड इन द कम्प्यूटर्स मेमोरी इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम में लोड हो रही है कंप्यूटर मेमोरी एंड देन दिडोज सेवन वेलकम स्क्रीन अपियर और उसके बाद में वेलकम स्क्री स्क्रीन अपेयर हो जाती है आपके डेस्क टॉप पर आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स द फ़ाइनल स्क्रीन अपियर्स कुछ सेकेंड के बाद में फ़ाइनल स्क्रीन अपीयर्स हो जाती है दिस फाइनल स्क्रीन इज़ कॉल्ड द डेस्क टॉप फाइनल स्क्रीन क्या कहलाती है डेस्कटॉप नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज सेवन डेस्कटॉप। व्हाट वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज सेवन डेस्कटॉप। यू ऑलरेडी नो अबाउट द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज सेवन आप जानते हैं पहले से ही कि विंडोज सेवन के डेस्कटॉप के बारे में लेटेस्ट रीड अबाउट ईच कॉम्पोनेंट इन डिटेल चलिए अब हम इनके सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं now as you can see here there is a desktop background icons taskbar now first I will talk about desktop background the image in the background of the icons is called desktop or wallpaper जो image आपको दिखाई देती है icons के पीछे ये small pictures आपको दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे जो आपको screen दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं desktop background या wallpaper द डिफॉल्ट वॉल पेपर इज़ द विंडोज स्क्रीन यू कैन चेंज योर वॉल पेपर एंड हैव एनी पिक्चर ऑफ़ योर चॉइस इन इट्स प्लेस आप अपनी चॉइस का कोई भी पिक्चर या वॉल पेपर आप अपने चॉइस का डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं नाउ आइकन्स स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वरियर्स फाइल्स फोल्डर्स प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन आर नॉन एज आइकन्स ये छोटे छोटे ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हैं जो कि फ़ाइल्स हो सकते हैं फोल्डर्स प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन ये इस इनको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं दीज आइकन्स हेल्प्स टू क्विकली ओपन द फाइल्स फोल्डर्स और प्रोग्राम बाई डबल क्लिक क्लिकिंग ऑन दैम ये आइकन्स हमें हेल्प करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स और प्रोग्राम को ओपन करने में इस पर हम डबल क्लिक करेंगे राइट माउस बटन डबल क्लिक करेंगे तब हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को क्विकली ओपन कर सकते हैं टास्क बार इट हेल्प्स टू मैनेज वॉरियस करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स ये करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स जो कि प्रोग्राम्स ओपन हुए रहते हैं वो इन सबको मैनेज करता है टास्क बार इन सभी प्रोग्राम्स को मैनेज करता है एज़ यू कैन सी हियर दे इज ए ब्लू स्ट्रिप इट्स कॉल द टास्क बार इसको हम टास्क बार बोलते हैं ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर ब्लू कलर की स्ट्रिप ओपन इन डिफरेंट विंडोज वी कैन स्विच बिटवीन दिस प्रोग्राम्स बाय क्लिकिंग देयर बटन ऑन द टास्क बार यहाँ पर ये प्रोग्राम्स ओपन हुए प्रोग्राम्स हैं आप इस पर क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर इसको ओपन कर सकते हैं इट है इट ऑल्सो हैज़ द स्टार्ट बटन एंड क्लॉक आइकन एंड शो डेस्कटॉप बटन यहाँ पर आपको फर्स्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये स्टार्ट बटन है क्लॉक है साइड में यहाँ क्लॉक दिया है एंड शो डेस्कटॉप बटन दिज दिस ज़्यादा डेस्कटॉप बटन नाउ स्टार्ट बटन इट इज नॉन एज द गेट वे टू विंडोज एंड इट्स प्रोग्राम स्टार्ट बटन को हम विंडोज का गेट वे के नाम से भी जानते हैं और ये प्रोग्राम का गेट वे है इट ओपन द स्टार्ट मिनू ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है व्हेन वी क्लिक ऑन इट जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता है द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पेंस स्टार्ट मेन्यू डिवाइडेड बटा हुआ होता है टू पेंस में लेफ्ट पैन एंड राइट पेन एज यू कैन सी हियर देयर द दीज आर द लेफ्ट पैन एंड राइट पेन ओके द लेफ्ट पेनज़ यूज टू एक्सेस प्रोग्राम और टू सर्च फाइल और फोल्डर इन द कम्प्यूटर जो आपका लेफ्ट पेन है इसका हम यूज़ करते हैं प्रयोग करते हैं प्रोग्राम्स और फाइल्स को सर्च करने के लिए जो कि आपके कंप्यूटर में है द राइट पेन गिव एक्सेस टू सम कॉमन फोल्डर्स लाइक डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स म्यूजिक कंप्यूटर ई टी सी राइट पेन में आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं फोल्डर्स होते हैं जैसे कि पिक्चर्स म्यूज़िक कम्प्यूटर एट्सेट्रा शो डेस्क टॉप बटन विंडोज सेवन प्रोवाइड्स अव फीचर कॉल्ड एरोपिक थ्रो विच यू कैन इंस्टेंटली मिनीमाइज योर एंटायर स्क्रीन टू व्यू द डेस्कटॉप विंडोज सेवन ने प्रोवाइड किया है एक नया फीचर कोल्ड एरोपिक जिसको हम एरोपिक के नाम से जानते हैं थ्रो विच यू कैन इंस्टेंटली मिनीमाइज़ जिसके द्वारा आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को और आप डेस्कटॉप को देख सकते हैं प्लेस योर माउस पॉइंटर ऑन शो डेस्कटॉप बटन आप अपने माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन पर रखेंगे ऑन राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार यहाँ शो डेस्कटॉप बटन दिया गया है आप माउस पॉइंटर रखेंगे और क्लिक करेंगे ऑल ओपन विंडोज बिकम ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन इंस्टेंटली सी द डेस्कटॉप क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन टू व्यू द डेस्कटॉप ईच विंडो मिनिमाइज इन द टास्क बार जितने भी विंडोज ओपन हैं आपके मिनिमाइज हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे इफ़ यू वॉन्ट टू सी द विंडोज अगेन क्लिक अगेन ऑन द शो डेस्क टॉप बटन यदि आप विंडोज़ को दोबारा से देखना चाहते हैं क्लिक अगेन ऑन द शो डेस्कटॉप बटन आप दोबारा से क्लिक करेंगे डेस्कटॉप बटन पर नाउ क्लॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार टास्क बार के राइट साइड में करंट डेट एंड टाइम इज डिस्प्लेड यहाँ पर करंट डेट डिस्प्ले होती है आपको दिखाई देगी वैन द माउस पॉइंटर इज़ ऑन इट जब आप अपना माउस पॉइंटर इस पर रखेंगे तब आपको करंट डेट जो उस दिन की डेट है और टाइम है वो आपको शो होगा इवन इफ द कंप्यूटर इज़ स्विचड ऑफ जब कंप्यूटर स्विचड ऑफ होगा योर कंप्यूटर कीप्स द डेट एंड टाइम अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल बैटरी इनसाइड इट जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा आपका कंप्यूटर डेट एंड टाइम अपडेट रखेगा अपने आप से विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल बैटरी जो कि एक छोटी बैटरी होती है इनसाइड इट उसके द्वारा टू अपडेट डेट डेट को अपडेट किस तरह से करते हैं हाउ टू अपडेट द डेट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स ओके द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप इज क्लॉक क्लिक ऑन क्लॉक इन द नोटिफिकेशन एरिया आप नोटिफिकेशन एरिया में क्लिक क्लॉक पर क्लिक करेंगे टू ओपन कैलेंडर एंड क्लॉक ओपन होगा कैलेंडर ऑन क्लॉक ओके फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन एरिया टू ओपन कैलेंडर एंड क्लॉक नाउ द सेकेंड स्टेप इज क्लिक चेंज डेट एंड टाइम उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम पर to open date and time dialog box and then step 3 is click change date and time button date and time setting dialog box open uske baad aap change date and time button par click karenge date and time setting dialog box open uske baad mein jaise hi aap date and time change button पर क्लिक करेंगे तो आपका setting dialog box open हो जाएगा now फोर्थ स्टेप इज मॉडिफाई द कैलेंडर एज नीडेड टू सेलेक्ट द करेक्ट डेट उसके बाद में आप मॉडिफाई करेंगे कैलेंडर को ओके okay? यहाँ से आप जो भी डेट अपडेट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन नाउ अपडेट टाइम अब टाइम किस तरह से अपडेट करते हैं फ्रॉम डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन आर्स मिनट और सेकेंड टू चेंज आपको अपना टाइम अपडेट करना होगा मिनट्स आर्स एंड सेकेंड्स में स्टेप टू यूज़ अप एंड डाउन बटन्स टू चेंज दे आर वैल्यूज़ विद द चेंज इन द टाइम इन डिजिटल क्लॉक एनालॉग क्लॉक इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड आप यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अप एंड डाउन बटन्स दिए गए हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं टाइम को यहाँ से ओके नाउ स्टेप थर्ड इज़ क्लोज द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स बाई क्लिकिंग ऑन ओके बटन जैसे ही आप अपना टाइम सेट कर लेंगे जो आप टाइम अपडेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर लेंगे उसके बाद में आप ओके okay बटन पर क्लिक करेंगे द नोटिफिकेशन एरिया विल स्टार्ट शोइंग द अपडेट डेट एंड टाइम नोटिफिकेशन एरिया में आपको जो डेट और टाइम अपने आपने अपडेट किया है वो आपको शो होगा नाउ चेंजिंग डैक्टॉप बैकग्राउंड डैक्टॉप बैकग्राउंड आप किस तरह से चेंज करते हैं उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ़ योर डेस्क अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड आप जैसे फ़ोन में आप अपनी मर्जी से कोई भी वॉल आप लगा सकते हैं इस तरह से ही आप अपने कंप्यूटर में भी कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं सम वॉल पेपर्स आर इन बिल्ट इन विंडोज सेवन कुछ वॉल पेपर्स आपके कंप्यूटर में बने हुए रहते हैं ऑलरेडी जैसे कि आपके फोन्स में भी होते हैं इस तरह से एंड यू कैन डाउनलोड सम फ्रॉम द इंटरनेट और कुछ आप इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं नाउ हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड वी हैव टू फॉलो द स्टेप स्टेप वन इज़ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप सबसे पहले आप राइट right क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर एंड पॉप अप मीनू ओपन उसके बाद में एक मेन्यू ओपन हो जाएगा चूज पर्सनलाइज विंडोज जैसे ही ये लिस्ट अपीयर होगी ये पॉपअप मेन्यू है आपके पास अपीयर होगा तो आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे ओके राइट माउस बटन क्लिक करेंगे दिस लिस्ट दिस लिस्ट विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज नाउ सेकेंड स्टेप इज इन द विंडोज दट ओपन्स जो विंडोज ओपन होगी क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ओके जैसे ही आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ये स्क्रीन आपको अपीयर हो जाएगी आपको क्लिक करना होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर नाउ स्टेप थ्री इज क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द पिक्चर लोकेशन इट ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर उसके बाद में आप क्लिक करेंगे पिक्चर लोकेशन पर यहाँ पर आपको ये पिक्चर लोकेशन दिखाई दे रही है ये लिस्ट जैसे आप पिक्चर लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी तो आप अब इसको ड्रॉप डाउन मीनू विल अपीयर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ इस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं नाउ स्टेप फोर्थ इज चूज द बैकग्राउंड गैलरी यू वॉन्ट टू यूज यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ब्राउज बटन एंड देन यूज द ब्राउज ब्राउज डायलॉग बॉक्स टू सेलेक्ट अ सेव्ड फाइल आप बैकग्राउंड अपने गैलरी में आपके बहुत सारे फोटोज होते हैं पिक्चर्स होती हैं आप वहाँ से भी गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं विंडोज सेवन डिस्प्लेज ऑल द बैकग्राउंड इमेजेस ऑफ द सेलेक्टेड गैलरी स्टेप फिफ्थ इज क्लिक ऑन क्लियर एज बाय डिफॉल्ट ऑल द बैकग्राउंड्स आर सेलेक्टेड जो कि अपने आप से ही सेलेक्ट हुए रहते हैं आप क्लिक करेंगे क्लियर ऑल पर यहाँ पर एक आपको बटन दिखाई देगा क्लियर ऑल आपको इस पर क्लिक करना होगा ओके नाउ स्टेप सिक्स इज क्लिक ऑन द इमेज यू वांट टू यूज जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा उसको सेलेक्ट करना होगा नाउ स्टेप सेवन इज क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द पिक्चर पोजिशन उसके बाद में आप क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ पिक्चर पोजिशन एंड देन क्लिक द पोजिशनिंग यू वॉन्ट यू वॉन्ट आप पिक्चर पोजिशन पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंज उसके बाद में आप सेव चेंज पर क्लिक करेंगे यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है ओके यहां पर आप पिक्चर पोजिशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में सेव चेंज पर आप यहां क्लिक करेंगे ओके आफ्टर देट द क्लोज बटन दे इज अ क्लोज बटन हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन ओके आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा द पिक्चर यू सेलेक्ट अपियर्स ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो पिक्चर अब आपने सेलेक्ट की है वो पिक्चर आपको आपके डेस्क टॉप बैकग्राउंड पर दिखाई देगी सबसे पहले आप राइट right बटन क्लिक करेंगे अपने डेस्क टॉप पर उसके बाद में लिस्ट अपियर हो जाएगी आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज जैसे ही आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे ओके okay? पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर लोकेशन पर क्लिक करेंगे आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर यू वांट टू यूज़ इन योर कंप्यूटर बैकग्राउंड चूज़ द बैकग्राउंड गैलरी यू वांट टू यूज आप अपने गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर में आप सेलेक्ट करके आप वहाँ से गैलरी से आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर उसको लगा सकते हैं और आप इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करके भी आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं नाउ सेटिंग स्क्रीन सेवर नाउ वट इज स्क्रीन सेवर स्क्रीन सेवर है क्या द कंप्यूटर रिमेंस स्विच्ड ऑन जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है फॉर स्पेसिफाइड टाइम विदाउट एनी यूज़ जब आप उसका यूज़ नहीं कर करते और आपका कंप्यूटर ऑन है ए मूविंग पैटर्न्स और एनिमेशन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर कुछ एनिमेशंस और मूविंग पैटर्न्स आपको डेस्कटॉप पर आपकी दिखाई देंगे जब आप अपने कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप कंप्यूटर पर कोई वर्क नहीं कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर स्विच ऑन है तो आपकी स्क्रीन पर एक एनिमेशन मूवी एनिमेशन अपीयर हो जाएगा या मूविंग पैटर्न अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर दिस पैटर्न और एनिमेशन इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर ये पैटर्न और एनिमेशन है इसको हम स्क्रीन सेवर के नाम से जानते हैं या स्क्रीन सेवर के नाम से पुकारते हैं इफ़ यू मूव द माउस और प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड जैसे ही आप अपने माउस को हिलाएंगे या आप कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस करेंगे इट विल गेट यू बैक ऑन टू द स्क्रीन आप तुरंत ही आप अपने स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे फॉलो दिस स्टेप टू सेट द स्क्रीन सेवर अगर आप अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर सेट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे नाउ फर्स्ट स्टेप इज ओपन द पर्सनलाइज विंडोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप सबसे पहले आप राइट माउस बटन क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज एज यू कैन सी अ पर्सनलाइज विंडो पर्सनलाइज सॉरी आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे नाउ स्टेप सेकेंड इज क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर जहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लिक करेंगे आप स्क्रीन सेवर पर सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपियर उसके बाद में सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द स्क्रीन आप इस स्क्रीन के डाउन एरो पर यहाँ पर साइड में एरो होगा होता है आप उस पे यहां पर यहाँ पर ये सारे एनिमेशंस हैं आप यहाँ से डाउन एरो से आप आ, क्लिक करते जाएंगे और आपके सामने काफ़ी सारे एनिमेशंस आपको दिखाई देते जाएंगे जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे आपको यहाँ पर ये यह रेड कलर की स्क्रीन या एनिमेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको शो होता रहेगा कि किस तरह की एनिमेशन है नाउ स्टेप फोर इज क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर यू वॉन्ट टू यूज जो भी आप स्क्रीन सेवर अपने कंप्यूटर पर लगाना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे नाउ स्टेप फाइव इज क्लिक ऑन द क्लिक ऑन द वेट अप एंड डाउन एरो बटन्स टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ आइडल टाइम आफ्टर विद विच द स्क्रीन सेवर शुड अपियर आप कितने कितने टाइम के लिए एनिमेशन किस कितने टाइम के बाद सपोज आपने वर्क किया और आपने अपने कंप्यूटर को पाँच मिनट तक कोई वर्क नहीं किया तो आप चाहते हैं और आपका कंप्यूटर स्विच ऑन है आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होने के बाद स्क्रीन सेवर आपके डेस्कटॉप पर आपको दिखाई दे आफ्टर टू मिनट्स टू मिनट्स के बाद ही आपको दिखाई दे तो आपको उसके लिए सेलेक्ट करना होगा ओके नाउ स्टेप सिक्स इज़ क्लिक ऑन ओके बटन यहाँ से आप ये टाइम सेट करेंगे कि टू मिनट्स के लिए टू मिनट्स के बाद या थ्री मिनट्स के बाद आपको स्क्रीन सेवर आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देना चाहिए तो आप उस पर यहाँ से टाइम सेट करेंगे स्टेप फाइव में नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ओके बटन उसके बाद में आप ओके okay बटन पर क्लिक करेंगे नाउ चेंजिंग द कलर स्कीम आपके स्क्रीन पर आपको कलर्स दिखाई देते हैं काफ़ी सारे तो वो स्कीम किस तरह से चेंज करते हैं द कलर यूज फॉर विंडोज़ बॉर्डर टाइटल बार स्टार्ट मेन्यू ऑन द टास्क बार इज़ कॉल्ड द विंडोज कलर आपको आपके डेस्कटॉप पर आज जो पिक्चर आप सेट करेंगे वो तो आपको दिखाई देगी लेकिन उसकी चारों तरफ जो आपको बॉर्डर दिखाई देता है इट्स कॉल्ड द कलर स्कीम वो बॉर्डर आप जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है आप चाहते हैं कि आपको ये रेड चाहिए या आपको ब्लैक चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं इट्स कॉल्ड कलर स्कीम नाउ टू चेंज विंडोज कलर स्कीम फॉलो दिस स्टेप स्टेप वन इज ओपन द पर्सनलाइज विंडोज सबसे पहले आप राइट right क्लिक करना होगा आपको अपने डेस्कटॉप पर राइट माउस बटन आफ्टर दैट ओपन द पर्सनलाइज विंडोज आप पर्सनलाइज पर ही क्लिक करेंगे आफ्टर दैट स्टेप टू इज क्लिक ऑन विंडो कलर उसके बाद आप विंडो कलर पर क्लिक करेंगे द विंडो कलर एंड अपीयर्स विंडोज अपियर या ऐसा जैसे कि आप इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह की स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पर अपीयर हो जाएगी नाउ क्लिक ऑन द कलर यू वॉन्ट टू यूज़ अब जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है कि हमें कलर हमें स्कीम में चाहिए वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे उसके ऊपर नाउ स्टेप फोर्थ इज क्लिक टिक द इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन टू हैव ट्रांसपेरेंट ग्लास इफेक्ट ऑन द बॉर्डर्स उसके बाद में आप इनेबल ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे देन स्टेप फाइव इज़ टू सेट द कलर इंटेंसिटी क्लिक एंड ड्रैग द कलर इंटेंसिटी स्लाइडर विंडोज चेंज द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंडोज बॉर्डर आपको कलर की कितनी इंटेंसिटी चाहिए उसके लिए आप अपने कलर इंटेंसिटी कलर इंटेंसिटी पर आप जैसे ही आप उसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करते हुए जितना ज़्यादा आपको चाहिए आप कर सकते हैं आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंज उसके बाद में आप क्लिक करेंगे सेव चेंज पर ओके नाउ द गैजेट्स गेजेट्स आर द मिनी टूल्स प्रोवाइड बाय विंडोज़ सेवन गेजेट्स क्या हैं गेजेट्स मिनी टूल्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं विंडोज़ सेवन के द्वारा विच कैन बी कैप्ड ऑन द डेस्कटॉप टू गेट क्विक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन लाइक सीपीयू स्पीड वेदर फोकास डेट टाइम न्यूज़ हेडलाइंस ई टी सी ये रखे जा रखे गए होते हैं डेस्कटॉप पर जिसके द्वारा आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेश्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जैसे कि सीपीयू की स्पीड क्या है वेदर फोरकास्ट डेट क्या है टाइम क्या है न्यूज़ हेडलाइंस वोट आर द न्यूज़ हेडलाइंस वो टूडे यू कैन गेट क्विक एक्सेस फ्रॉम द गेजेट्स दीज आर दीज आर द ऑप्शनल टूल टूल्स विच कैन बी एडिड और रिमूवड एज एंड वन एडिड आप ये ऑप्शनल टूल्स हैं आप इनको एड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको इनकी आवश्यकता है आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर आपको दिखाई दें तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हमें अपने डेस्कटॉप पर नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं नाउ हाउ टू ऐड द गेजेट्स वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप हियर स्टेप वन इज राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप आप सबसे पहले राइट right क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर आफ्टर द इस्टेप टू इज़ इन द पॉप ऑफ मीनू दैट अपियर्स क्लिक ऑन गैजेट्स एक पॉप ऑफ मीनू आपको अपियर हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं उसके बाद में आप क्लिक करेंगे गैजेट्स पर द गैज गैलरी विल अपियर गेजेट गैलरी अपेयर हो जाएगी इस तरह की नाव डबल क्लिक ऑन द गेजट्स टू एड जो भी गैजेट आप एड करना चाहते हैं क्लॉक सी पी यू मीटर पिक्चर पजल स्लाइड शो वेदर जो भी आप गैजेट्स ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे आफ्टर दैट विंडोज सेवन एट द सेलेक्टेड गैजेट्स टू द डेस्कटॉप स्टेप फोर इज क्लिक ऑन क्लोज बटन उसके बाद में आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे नाउ हाउ टू रिमूव अ गैजेट्स फ्रॉम द डेस्कटॉप आप अपने डेस्कटॉप टॉप डेस्कटॉप से किस तरह से रिमूव करेंगे गैजेट्स को वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप स्टेप वन इज मूव द माउस पॉइंटर ओवर द गैजेट्स एंड द गैजेट्स कंट्रोल अपीयर। जैसे जैसे ही आप अपने गैजेट पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे आप अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे गैजेट पर द गैजेट्स कंट्रोल अपीयर। गैजेट्स कंट्रोल अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर यू हैव टू क्लिक ऑन द रिमूव बटन तो उसके बाद में रिमूव बटन आपको दिखाई देगा उसके बाद में आपको रिमूव बटन पर क्लिक करना होगा यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक एंड गैजट एंड क्लिक ऑन क्लोज गैजेट ऑप्शन उसके बाद में आप क्लोज गैजेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टुड दिस चैप्टर थैंक यू एंड हैव